दोस्तों, बिना किसी औपचारिकता के सबसे पहले तो इस आदिवासी महापंचायत में आदिवासी विद्यार्थियों के द्वारा जो मांग पत्र रखी गई है उस मांग पत्र का मैं समर्थन करता हूं। इस मांग पत्र का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और यह जो मांग पत्र है, इस मांग पत्र को जब मैं पढ़ रहा था, हमारे क्रांतिकारी साथी ने क्रांतिकारी लहजे में यह मांग पत्र रखी है, क्योंकि हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, यह हमारा अधिकार है, आपको देना पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो छीन करके लेंगे, इस बात को याद रखिए। तो इस मांग पत्र को पढ़ते हुए जब मैं इसके एक एक डिमांड को पढ़ रहा था, एक जगह लिखा हुआ था आदिवासी महापुरुषों। दोस्त, आदिवासी समाज में महिला और पुरुष नहीं होता है, आदिवासी आदिवासी होता है, जितनी महिला का योगदान है उतना ही पुरुष का योगदान होता है। तो हम अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने इतिहास को नहीं छोड़ेंगे, और हमको किसी और की संस्कृति और किसी और के इतिहास में अपने आप को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये दूसरे समाज में होता होगा महिला और पुरुष, आदिवासी समाज में महिला और पुरुष नहीं होता है। होता है क्या? हमारी बहनें बैठी हुई हैं, हमारे भाई बैठे हुए हैं, हमारे घर में हमारे परिवार में जितनी इज्जत पुरुष का है उतनी ही इज्जत महिलाओं का भी होता है, यही आदिवासी होने की पहचान होती है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप महापुरुषों की जगह महामानव शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। अन्य मांगों को जब मैं पढ़ रहा था, यह जो मांग है, इस मांग के लिए मैं यह बात आप सबके सामने साझा करना चाहता हूं कि हमारे साथी ने कहा कि अब हम बोलना सीख गए हैं, अब हम राजनीति भी समझ रहे हैं, अपनी मांग भी हम मनवा लेंगे। और यह जो बोलने का इतिहास है, यह एक लंबा संघर्ष है, एक लंबी लड़ाई है, और इस संघर्ष में आपने बार बार देखा होगा कि किस तरीके से हमारी लड़ाई को गुमराह करने की कोशिश की जाती है, उसको भटकाने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले जो हमारी पहचान है आदिवासी, उसको आजकल वनवासी करने का प्रयास किया जा रहा है। बोलिए, अगर वन में रहने वाले लोग वासी हैं तो जो लोग फ्लैट में रहते हैं उसको फ्लैट वासी कहना शुरू कर दें क्या? अरे भारत में रहने वाला हर कोई भारतवासी है, लेकिन इस जमीन पर सबसे पहले जो उन्होंने रहना शुरू किया, निवास करना शुरू किया, वो आदिवासी हैं, और ये सम्मान की बात है, ये गर्व की बात है। जो इस बात को गुमराह करना चाहते हैं उनकी राजनीति आपको समझना पड़ेगा। उनकी राजनीति क्या है? उनकी राजनीति ये है कि आपका जंगल काटने के लिए आप कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस कुल्हाड़ी में जो लकड़ी लगी होती है वो किसी पेड़ की ही लकड़ी होती है। यह जो राजनीति है, इस राजनीति को हमको समझना पड़ेगा कि हम किस दौर में आ जाकर के खड़े हैं। देश की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी भी आदिवासी हैं कि नहीं है? और आपने टीवी में देखा होगा बड़े जोर शोर से कांग्रेस पार्टी पर कीचड़ उछाला गया कि हम आदिवासियों का सम्मान नहीं करते हैं। बताइए, इस देश का इतिहास उठा करके देख लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आदिवासियों के प्रतिनिधित्व को संविधान सभा में सुनिश्चित किया, और यह सुनिश्चित किया कि अंग्रेजों ने जिस तरीके से जंगल के कानून बना करके आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से महरूम कर रहे हैं, जंग जंगल जमीन पे पहला अधिकार आदिवासियों का होगा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुनिश्चित किया। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, और मैं प्रधानमंत्री की तरह इतिहास में फेल नहीं हूं, पूरा नंबर आया है हमको इतिहास में, पूरा नंबर आया है। इतिहास उठा करके देख लीजिए कि जिनको डीनोटिफाइड ट्राइबल्स कहा जाता था, अंग्रेजों ने जो हमारे महान नेता थे, आपने तांतिया मामा का नाम सुना होगा, आपने जो है धरती आबा बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा,
ये जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले हमारे महामानव हैं, आदिवासियों के महान योद्धा हैं, और इनकी लड़ाई में मुक्ति का मार्ग था, इनकी लड़ाई में आजादी का मार्ग था। इस लड़ाई के चलते जो इस देश के मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, उनको ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने क्रिमिनल घोषित कर दिया था। आपको इतिहास जानना चाहिए कि सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको डीनोटिफाई किया, कहा कि वो क्रिमिनल नहीं है, इस धरती पे उनका पहला हक है, वो पहले नागरिक ने पहले अधिकारी। कांग्रेस के इतिहास की बात करते हैं, आप मुझे बताइए, हमारे साथी ने बिल्कुल ठीक कहा, अगर आपका वोट और हमारा वोट एक नहीं हुआ होता, क्यों पत्रकार महोदय, आपका वोट और एडिटर का वोट एक नहीं होता, महिला और पुरुष का वोट एक नहीं होता, हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाला और साइकिल पर चलने वाला का वोट अगर एक नहीं होता तो जिया साहब के पप्पा इंदौर का चक्कर लगा रहे होते। सुने हैं डैडी जी घूम रहे हैं आजकल जिया साहब के, क्यों घूम रहे हैं? ये वोट का अधिकार आपको कैसे मिला है? ये वोट का अधिकार आपको थाली में परोस करके गिफ्ट नहीं मिला है, इसके लोगों ने संघर्ष किया है, इसके लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। और आजादी का मतलब होता है कि किसी भी मनुष्य को, किसी भी मनुष्य के ऊपर शोषण करने का कोई अधिकार नहीं है, ये आजादी का मतलब होता है। और यही जो आजादी का मतलब है, इस मतलब को हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? हम भारत के लोग, भारत में रहने वाला चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, पारसी हो, यहूदी हो, हर कोई भारतवासी है ना। जब भारत में रहने वाला हर कोई भारतवासी है तो चाहे गोंड हो, भील हो, उरांव हो, सभी लोग आदिवासी हैं। यह एकता हमको समझनी पड़ेगी, यह एकता हमको बना करके रखनी पड़ेगी। इनकी चालाकी आपने देखी, एक दूसरे से लड़ा रहे हैं। ये क्यों लड़ा रहे हैं? ये इसलिए लड़ा रहे हैं ताकि हमारी शक्ति आपस में बट जाए। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में मणिपुर के रहने वाले लोग को ही आपस में लड़ाया जा रहा है, और सरेआम आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे। यहां बैठी हुई महिलाओं से मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं, बतौर पुरुष हमने ऊपर आपके ऊपर बहुत सारा अत्याचार किया है, इसके लिए हाथ जोड़ करके हम आपसे माफी मांगते हैं। शर्म आती है कि आजादी के 75 साल बाद भी बदला निकालने के लिए निर्वस्त्र होकर के आप एक महिला को घुमा रहे हैं, और आप कहते हैं कि हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है। आप एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाए हैं और एक आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, और महामहिम अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोलती है। यह बात हमको समझनी पड़ेगी कि लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़ी में भी लकड़ी लगा होता है। इस राजनीति को हमको समझना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि अगर जो हमारा वोट और आपका वोट एक है, महिला और पुरुष का वोट जो एक है, हेलीकॉप्टर पर चलने वाला और फॉर्चुनर पर चलने वाला और टूटी हुई साइकिल लेकर चलने वाला का वोट जो एक है, यही वोट की ताकत है कि यह जमहूरियत जिंदा है, यह लोकतंत्र जिंदा है। 5 साल के लिए ही सही इनको जनता के बीच जाना पड़ता है, जनता की अदालत में आना पड़ता है, और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तरह तरह का झूठ बोलना पड़ता है। अभी हमको एक पत्रकार पूछ रहे थे कि गृह मंत्री ने कहा है, मां बाप ने कितना सुंदर नाम रखा है, नरोत्तम, नड़ों में उत्तम, और काम कैसा है, निकृष्टम। कैसे है निकृष्टम? निकृष्टम ऐसे है कि भाई तुम सरकार चला रहे हो, 20 साल से तुम्हारी इस प्रदेश में सरकार है, और तुम विपक्ष की तरह सवाल पूछ रहे हो, है दम चैलेंज करते हो यहां से खड़ा होकर के। इंदौर में दो गृह मंत्री है, चैलेंज करते हैं कि अगर हमने गलत किया है तो हमको इंदौर की जेल में डालो, अगर हमने गलत नहीं किया है तो देश को गुमराह करना बंद करो, देश से माफी मांगो, बकवास करना बंद करो। हमको मालूम है कि ये झूठ क्यों बोलते हैं। ये झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे सच का सामना नहीं कर सकते हैं। करेंगे हमारे सच का सामना? सच ये है कि
कि इनका बेटा विदेश पढ़ने के लिए गया है मामा का। और मामा के संदर्भ में मैं आपको बता दूं, मेरा नाम कन्हैया है और कन्हैया ने कंस का वध किया था और कंस भी मामा था। ये संदर्भ मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमको सच्चाई आंख खोल करके देखने की जरूरत है। इस प्रदेश में गरीब के लिए महाविद्यालय नहीं बनेगा, गरीब के लिए विश्वविद्यालय नहीं बनेगा, गरीब के लिए छात्रावास नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जब मुख्यमंत्री का बेटा विदेश पढ़ने के लिए जाएगा तो आदिवासी के लिए महाविद्यालय क्यों बनाएगा? और जब चुनाव आ गया है, 20 साल से सरकार चला रही है, जब चुनाव में 20 महीना बचा है तब इनको बहन जी लाडली की याद आई है और क्या कह रहे हैं कि हम 2,000 रुपया दे देंगे। चाचा आप 2,000 रुपया अपने पास रखिए, ये बताइए कि 350 का सिलेंडर 1,400 रुपए में क्यों मिल रहा है? 750 रुपया तो रिचार्ज कराने में लगता है। मैंने यहां पे बैठी हुई है, 2,000 रुपया दे दीजिएगा तो 2 महीना ठीक से 2 मोबाइल रिचार्ज भी नहीं हो पाएगा। ठगते हैं, ठग रहे हैं हमको। आपका खेल हम समझ रहे हैं, आपका खेल हम समझ रहे हैं कि आप हमारे आंख में धूल झोंक करके हमारी संपत्ति, हमारा रिसोर्स हमसे छीन रहे हैं। और जब हम अपने जल जंगल जमीन की बात करते हैं तो ये हमारे ऊपर तरह तरह का आरोप लगाते हैं, कहते हैं जल जंगल जमीन की बात करने वाले लोग अर्बन नक्सल होते हैं। हाय रे गृह मंत्री, बड़ी दया आती है आपको। हैं? 2 बार की सरकार है इनकी, 20 साल से मध्य प्रदेश में सरकार चला रहे हैं और मेरे पिताजी मुख्यमंत्री नहीं थे ना प्रधानमंत्री थे। मैं एक साधारण परिवार का लड़का हूं लेकिन मेरे पास महात्मा गांधी की तरह, बिरसा मुंडा की तरह, शहीद आजम भगत सिंह की तरह, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह सच की ताकत है, इस बात को याद रखिएगा। अरे पूरी ताकत लगा लीजिए, आप हमारी सच्चाई को नहीं बदल सकते हैं। हम सच के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लोकतांत्रिक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। और लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? लोकतंत्र का मतलब यह होता है कि जैसे मुख्यमंत्री के बेटा का वोट 1 होता है उसी तरह से आदिवासी के बच्चा का भी वोट 1 होता है। अगर मुख्यमंत्री का के पास पैसा है वो अपने बच्चे को विदेश भेज सकता है तो हम भी इस देश में टैक्स देते हैं, हमारे बच्चों के लिए भी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए, अच्छा अस्पताल होना चाहिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, ये हमारा हक है। और जब हम अपना हक मांगते हैं तो हमारी बात को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम गुमराह होने वाले नहीं हैं। इनका खेल हम समझते हैं, हम आपके टैक्स के पैसे से, आपके टैक्स के पैसे से हमने PhD की है, हमने आपका नमक खाया है और हम नमक हराम नहीं है, हम नमक हलाल हैं और हम आपके साथ यह नमक का वादा करते हैं क्योंकि हम महात्मा गांधी की पार्टी से हैं और महात्मा गांधी ने नमक का आंदोलन कराया था और अंग्रेजों को धूल चटाया था, इस बात को हम इनको याद दिलाना चाहते हैं। अगर हम इस देश को अंग्रेजों से मुक्ति दिला सकते हैं तो अंग्रेजों की चापलूसी करने वालों से भी मुक्ति दिला सकते हैं। हमारे स्कूलों को बंद करके, हमारे छात्रावासों को बंद करके, तरह तरह का भर्ती घोटाला करके, घोटाला खत्म ही नहीं हो रहा है, रोज नया घोटाला पैदा हो जाता है। अभी जो नया घोटाला आया है उसका नाम है पटवारी घोटाला और मैं वीडियो देख रहा हूं, वीडियो में जो पटवारी घोटाला, नहीं घोटाला नहीं, पटवारी परीक्षा की जो टॉपर है उसको पूछा कि मध्य प्रदेश का राजधानी कहां है तो बोली दिल्ली। हम बोले बिल्कुल ठीक बात है, आजकल मध्य प्रदेश में सारा कंट्रोल दिल्ली से ही चल रहा है। बेचारे नरोत्तम मिश्रा जी, उनको फिल्म का बड़ा इंटरेस्ट है, अक्सर दीपिका पादुकोण को देखते रहते हैं। दीपिका पादुकोण क्या पहनी? अरे राज्य चला लो यार, गृह मंत्री हो, तुम्हारे राज्य में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, सबसे ज्यादा आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, राज्य समझ में नहीं रहा है। कहते हैं ना, घर में नहीं दाने, आम्मा चली भुनाने। पहले अपना राज्य तो चला लीजिए,
वाले होते रहते हैं और पूरा कंट्रोल, पहले इनको मुख्यमंत्री बनने का मन था, मुझे भी सूत्रों से पता चला है। क्या क्या चीज है, मीडिया के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बोलिए ना, डरिए मत। अरे लोकतंत्र है, सबको बोलने का हक है। अरे हम लोग तो एक नारा लगाते हैं, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। कितने लोगों को जेल में डाल देंगे, सच बोलिए, सच की ताकत होती है। पहले इनको कहा कि ऐसे ही उलझलूल बात किया करो, सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो जाओगे। और जैसे पटवारी की परीक्षा की टॉपर को मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली लगती है, इनको भी सत्ता का केंद्र आजकल दिल्ली लगता है। और जब चुनाव आता है तो दिल्ली इंदौर में घूमना शुरू कर देता है, आजकल दिल्ली इंदौर घूम रहा है। तो जब आ ही गए हैं नेकी और पूछ, तो इनसे पूछ लेना चाहिए कि क्यों घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, क्यों आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, क्यों महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, क्यों आपके द्वारा किए गए एक भी वादे पूरे नहीं किए गए। और जब चुनाव आया है, लाडली योजना, समझ रहे हैं साहेब, अपने लाडले के लिए लाडली योजना लेकर के आए हैं।